नारद जी के सुंदर होने पर जय श्री नारायण, मेरी रक्षा करिए, मैं सीता माँ को चोट मार दिया है। त्राई नाम त्राई नाम, मेरे पीछे अग्नि भाव छोड़ा है। त्राई नाम त्राई नाम, तुमने बहुत ही अन्याय किया है, ये रक्षा नहीं कर सकते हैं, तुम प्रभु श्री राम के ही शरण में जाएंगे। त्राई नाम त्राई नाम, नवनिर्वाचित विदुषी श्री सुदामा सरोज जी, आपने नहीं पाया, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए प्रभु। हे जयंता, तुमने तो अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने बाणों से तुम्हारी बाई आंख फोड़ देता हूँ और मैं तुम्हें माफ कर दिया। कभी में चल के देखना चाहिए, इतने दिन से हम जंगल में इतनी बड़ी शरीर लेके कुमारी घूम रही हूँ, हो सके हमारे मन का कोई मिल ही जाए। सुंदर सुंदर रूप तो है, जोड़ी तो हमारी बहुत बढ़िया बन जाएगी, लेकिन इस रूप में हमसे लोग शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, कोशिश करके देख लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद नहीं तो फिर सुंदर रूप बना के आऊंगे। मेहावर लगाए थे, मेहावर कहा, मेहावर पहले लगाए थे, एक या देख रहा छूट जब जंगल में भरते थे यहाँ ओस वगैरह पाप का करूंगी तभी शादी लोग करेंगे हमसे, नहीं तो शादी तो नहीं करेंगे। साइन सही है, सुंदर रूप बना के आए, फिर इनसे बात कर।
दारुण वस्तुहिनी पंचवटी सवई एक बार आ गए दिविकल भई दिविकल कुमार आ गए दिविकल भई दिविकल कुमार कितना अच्छा ये लोग अच्छा अच्छा है। अगर इनसे हमार शादी हो जाए कितनी अच्छी बात है ना, गलत है। अगर हमार शादी हो जाए तो आप लोग के मुंह मीठा करा दे वो हां पक्का हो जाएंगे हो जाएगी। हाँ 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 चलत है। का हो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, आप मेरी बात को मानेंगे? ये तो बोलते ही नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, कहूं टन है कि तोहरे ताके से दिल की अरे कली खिल गई कोनो जादू भरैली बाना जरी जामे कोनो जादू भरैली बाना तोहरे ताके से दिल की कली खिल गई कोनो हरे दल निहार रहे मनवा
तोहरे तन से गुलाबी का महक जावत है, तोहरे तन से गुलाबी का महक जावत है, चंद्रमा के गगन से चमक जावत है, चंद्रमा की जब हसीदा तू अति जरियन चमकत भी चूरी बदरियन में, जैसे चमकत भी चूरी बदरियन में, जैसे चमकत भी चूरी बदरियन। का हो राजा, हमार बात सुन ली है, कुछ कहबे? हम विवाहित हैं। पिया मुझको अपनी, हे राजा केहन देखतन हो, पिया मुझको अपनी दुल्हनिया बनाओ, पिया मुझको अपनी नशा मिले जवानी, बदन टूटती है, लगा रहो ये हाथ चक रहो, नशा मिले जवानी जवानी बदन टूटती है, न संभले जवानी बदन टूटती है, पिया मेरे दिल की, पिया मेरे दिल की हसीरत बुझाओ, पिया मुझको हो तो कार उनके पास जा, अरे कुछ बोल देवा करा करा, मुंड बैठा रहा था। तुम मेरे भाई छोटे लखन के पास जाओ, इन्हें उन्हें के पास जाई, भाई यह कहते भाई वहां कहते कदर मानते ना ये लोग। का हो राजा, अरे तू ही मान लेता ना हो, या बातें करने में तुझको अधिक न लाज आती है, मुझसे कहने से पहले पापिन तू मर क्यों नहीं जाती है, जीवन जीवन में हमने प्रथम बार देखी है इतनी निर्जल लड़की, है दिन आज का बड़ा अजूब जो सम्मुख आई ऐसी लड़की, सुन कुलचनी पिचासनी, यदि विवाह हुआ नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कहा कर दे घर कहीं तेरा। ये तो बहुत गुस्सा है नो, ये तो कुछ सीधा साधा है, लेकिन छोटका बहुत गुस्सा बा, ये लोग ऐसे न मन है, ऐसे न मन है का सीधी हम झू ना निकल का ब्यास जी, अब चलत है अपन भयंकर रूप बनाई का, जब हम मामी जवाब तब हमार बात मन है, चल बड़ी माया हुआ के वो मान जा, मान जा तो बात बन जाए, और सुंदर रूप वाला का सब कुछ देख ही लग जाए, ना ही समझ में आई बा, अगर यह रूप में पसंद आवत हो तनिक नाच यह रूप में देखे खो तो तनिक यह देख ले, मन कहत बा बोलबक चौपी दई के देखा था ना, हाँ तब वही सब स्टूरू ल भाग कि कवन ल भाग चुंबक वाला है कुल पता चल जाए, तनि लगा दे भैया तो एक आध नागिन धुन नहीं लगा दे, उसका नागिन पसंद हो,
बजाएं तो डांस देख ले है गानो सुन बेटा ठाम ठाम या जंगल में हम तड़प वही हुए कि दिल ले सुने है गाना जंगल में सुन ले आगे कि दिल ले के जा रहे हो कैसे जिए राक्षस को दिल लौटा था दिल ले के जा रहे हो कैसे जिएंगे हम दरिया भी तेरी आएगी ओ रो रो नितिन चाटा मून कॉर्नर आपकी तरफ से सुपरस्टार के सुंदर अपने 11 रुपए आए हुए हैं मान जा ना मान जा सुना के मान हुआ तो कुछ मोला का भांग गोला वाला चाट के बैठा का नहीं बोल पाता को आखा अतुल विश्वकर्मा जी सराय हरिनाम निवासी अतुल विश्वकर्मा जी की तरफ से सुपरस्टार के सुंदर अपने 11 रुपए आए हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद या तो हाँ बोला नहीं तो ना बोला ना बोले को तो बोला ना तो कुछ 200 रुपए देखी नाक चुबाक बैठी है जवानियां अर्जुन यादव श्री अर्जुन यादव जी ड्राइवर साहब आपने भी सुंदरी सुमाखा के सुंदर अपने 11 रुपए अर्पण किए हैं इनके ना टिकुली पता वो ना बिंदी शिखर शर्मा जी की तरफ से 11 रुपए आए हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है इतना बड़ा बड़ा टिकुली बिंदी लगाए है इतना बड़ा पेट अपन बा कि पेटे पर सोच सही तब कौन बात ना क्या एक काम उपाय बा ना नाचे से माने ना गाय से माने और सिर्फ इन कहीं के हम दे रगड़ के तब शादी करी चल चल मेरी माया घूमने गई थी मैं पंचवटी बगिया बेदर्दी दगा तई के काट लिए बेदर्दी दगा तई के काट लिए घूमने गई थी मैं पंचवटी बगिया घूमने गई थी मैं पंचवटी बगिया बेदर्दी दगा तई के काट लिए बेदर्दी
हो चुका। खरदूसन के पास गई सुबनखा, सारी विपत्ति बताई, सारी कहानी कह डाली। खरदूसन पे गई बिल पाता, भुग भुग तापा और उस बल दाता। मंत्री ये महाराज बताओ अपने राज्य का क्या हाल चाल है? बढ़िया है महाराज, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज। हमने एक वसा कर दिया है सबको। अच्छा क्या है बताओ? खाने के लिए मट्टी का तेल, जलाने के लिए कड़ुआ तेल। हाँ महाराज, ये क्या व्यवस्था की? बहुत अच्छी व्यवस्था की है महाराज जी, ताकि खाओ मर जाओ, अगर पियो तो जिंदा रहो। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ महाराज, हम सही कह रहे हैं। क्यों महाराज जी? सही कह रहे हो। हाँ, हमारे खाने पीने की व्यवस्था की जाए। खाने पीने की आइटम संग की व्यवस्था की जाए। हाँ महाराज, माँ बिंदवासी रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष बड़े भैया श्री महेश यादव जी, आपने आज गद्दी पर 21 रुपए अर्पण किए, बहुत बहुत धन्यवाद। खाने पीने की व्यवस्था की जाए और किस चीज की व्यवस्था की जाए महाराज? देसी शौकीन है देसी। खाने की व्यवस्था बाद में होगी, पहले पेवर देसी महुआ वाली। भाई को पिलाओ, भाई को। भाई बड़ा शौकीन है, रोज शाम को ढूंढता है। कहीं राजा लगा बैठा रहता है, कहीं राजा बाबू। महाराज चिखला लीजिए, चिखला 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 लीजिए। आप पीते रहे, खाते तो है। हाँ खाइए खाइए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल हड्डी महाराज, दोस्त हम खा ले रहे, हड्डी रखे रहे हम। कह हमारा महाराज हड्डी खा थे मांस की, उसको तो हम खा लाए। अरे सुनो सुनो सुनो, ये महाराज हमारा मन बड़ा उतावला है, बताइए मुझे। पेश करो पहले नर्तकी की, मन नहीं लग रहा है। हेलो 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 हेलो, हाँ आइए, हमारे महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। कैसे आया, क्या पायल की झंकार है, घुंघरू की झंकार, मन को भा गया। महाराज जय शंकर, जय शंकर, जय ये क्या आदेश है। अरे तुम्हारे कैसे गाँव का सामने बैठे? आई लाइक इट। अच्छा, ओ माय गॉड। ए भैया सर, अभिया कहाँ भो? अरे इतना हाथ है मेरे ऊपर करी, प्रेशर दिया, इसे पिलाओ थोड़ा प्रेशर दे दे। कि पिलाना फर्ज था, कुछ भी पिला दिया होता। पी पिलाना फर्ज था, कुछ भी पिला दिया होता। अच्छा। कि शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। झूमे की गजल गाएंगे महाराज, झूमे की गजल गाएंगे। अरे लहरा के पियो दे, झूमे की गजल। गजल गाएंगे लहरा के पिया, गजल। अरे आज भाई तो हमारा है ना। तुम हमको पिलाओ तो क्या बात है, तुम हमको पिलाओ तो बल खा के पिएंगे, तुम हमको पिलाओ तो। अरे भ्राता पीना
राधा भैया ना मिल हो अर्जुन भैया वकील साहब को भी पिलाओ जरा बड़ा सौ है रूठने वाले है रूठने वाले तेरे घर आके पिया गे है रूठने वाले रुपया देता है कहा है कि भरा रहा ऐसे हम बहुत हरियर कर अच्छा हरियर हो लेकिन मेरा कहना क्या वकील साहब कि देख कर मेरा कि देख कर मेरा खिलीता हुस्नो तबाब देख कर मेरा देख कर मेरा खिलीता हुस्नो तबाब देख कर नीचे हो जाए जाए तो छोड़ दे अरे असगर के दुर्गा प्रसाद मार कका कि यहां पी के नया ना शराब अरे मेरी माई दी कि यहां पी के नया ना शराब कह लिए बलम तोरे भैया पड़ी यहां पी के नया ना शराब यहां पी के में तोरे पैया पड़ी यहां मैं आपसे कह रही हूं हेलो 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 ललन यादव जी आपने सुंदर नृत्य और गीत पर 11 रुपए ऊपर किए बहुत बहुत धन्यवाद 21 रुपए ललन यादव भैया अच्छा अच्छा मैं से बार बार नमस्कार ए चोली फटी है राजा अरे चोली फटी है राजा गलत की सज्जन भैया चोली फटी है राजा चोली नहीं लाए चोली फटी है राजा यहां यहां बन के यहां बन के ये बैठे हो नवाब बल में तोरे पैया पड़ी यहां बन के बैठे हो नवाब बल में तोरे पैया यहां पी के नया ना शराब बल में तोरे पैया महाराज श्री नीलेश यादव जी नीलेश यादव जी आपने सुंदर नृत्य और गीत पर 11 रुपए प्रदान किए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज मेरा गाना खत्म हो गया अच्छा हाँ हाँ तब अब मैं जाना चाहती हूँ आदेश दीजिए ना जाओ जाओ सम्मान पूर्वक जाओ महाराज जी हाँ हाँ बताओ तो कुछ बोलवा का महाराज खजाने से खुश करके इस नर्दी के भेज दिया अच्छा महाराज हाँ हाँ भेजते रहे महाराज एक लफड़ा भैया महाराज शर्मा जी अब वही सोवत रहे तुहार आवाज सुन के खटिया छोड़ के पैदल भाग के आए ना अब राज भैया अच्छा अच्छा 9 बजे तक धान पीटे में ताले में अब 9 बजे तक तालन धान पीटल है अब यहाँ खाना खाए जैसे नींद लागत रही हमार तुहार जब आवाज सुनो तो भगतई चला आए लेकिन उनका कुत्ता इज्जत है हमारे उस्ताद है उनका ऐसा दर्द ऐसा दर्द मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे जैसे काल 12 बजे तक कोई भौजी जगाते ही ना ले भैया एक लाइन बोल क्या बोलते कि मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे
बताओ ए बड़े बेवफा करो हाँ यार जरूरत ज्यादा मुझे बोरिंग लगने लगता है मंत्री। हाँ महाराज ये बताओ ये महाराज दरबार में किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है? नहीं महाराज रोने का आवाज नहीं आ रही है। तो फिर क्या है? सुनुआ न सिलुआ भरसाई के बाना भूतवा इतनी मधुर आवाज भरसाई से निकल रही है। हाँ महाराज मार हुर हर हुर हर मचाए सिलुआ भरसाई दाना भूजा पर खिचड़ी समय आई जाओ पर नहीं नहीं सुनो सुनो ज्यादा बहानेबाजी मत करो पता लगाओ देखो कौन है। मुझे बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। जय महाराज एकदम जाओ पहले पता लगा के आओ। चलो जा रहे महाराज थोड़ा चलो मेरे साथ हमको लगता किसी की भैंस तोड़ा लिया है। लगता तो यही है चलो उसको पकड़ो। भरसाई में दिन का भैया हमारा जरूर ना आतिया। अरे मोहन आई रे अरे अरे मोहन भैया रुक रुक ए मोर फुआ फुआ बोलो तमा फुआ 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 रुक बोलो बोलो फुआ देख 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 क्या बोल रहा है क्या रहा क्या रहा तुम यहाँ रहा देख 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 अरे अरे भैया हमारू कुरियर अगर हो हमका दरबार में सीधा ले चला भी नहीं बताई काम हुआ चल चले। हाँ हाँ दरबार में हुआ चला चला महाराज। हाँ मंत्री बताओ पता चला कुछ? हाँ महाराज। हाँ बताओ कौन है? हुआ हमारा है क्या हमारा सुपंखा हुआ हो सुपंखा को क्या हो गया? कुछ नहीं भवा बरते जुड़ी बुखार भवा बहुत कुछ नहीं बुखार में तब तक शुरू हो रही है वो रात का बुखार ज्यादा हो गया हो और का अच्छा। हाँ पहला डोज था कि दूसरा? अच्छा वह रोवत रही हम कहे रोजी फुआ चल महाराज के लगे वह लिलाई का है ए फुआ बुलाओ ए फुआ हिया आवा यहाँ बतावा बहन सुपंखे क्या हो गया क्यों प्रलाप कर रही हो? तो भैया बता रहे हो क्या हुआ? हाँ बताओ। हे भाई हे भाई दो लड़के राम लखन इस गंडक बन में आए हैं एक सीता नामी सुकुमारी साथ में लाए बाके हैं और लड़ाके हैं गोया शमशीर उन्हीं का है वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागी मैं उधर अचानक निकल पड़ी सुनो भैया बताओ मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस अबला से मिलना चाहा इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर जब मैंने तेरा नाम लिया तो पहले उसने दी गाली फिर मेरे नाक काट डाले वा मेरे कान कतर गाले
नाक गई सो गई अब अपना नाक कायर कही की मेरी नाक गई सो गई अब अपना नाक संभालो तुम जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा राम नकारे तेरी दुहाई है भगनी की ऊंची नाक नहीं तो भाई तेरी हंस सारी सलाह इकट्ठा करो अभी जंगल की ओर चलते हैं और उन दोनों पर चढ़ाई कर दो बस बन गए तुम मुझे उन दोनों की ओर ले चलो 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 हम निभा के चलो चला पीरो चलो साथ मारो चला बेटा धसान धसोड़ी चला झोंका है अरे मंत्री ज्यादा बदतमीजी नहीं करना है बहन साथ बहन परेशानी में है टी शर्ट हेलो हेलो श्री पन्नालाल गुप्ता जी माँ विंध्यवासिनी रामलीला कमेटी के आप महामंत्री हैं श्री पन्नालाल गुप्ता जी आपने माँ विंध्यवासिनी रामलीला कमेटी को 1,101 रुपए की महान धनराशि आपने अर्पित की बहुत बहुत धन्यवाद है आपको आओ आओ हाँ हाँ चलो क्षमा चाहूंगा 1,011 रुपए श्री पन्नालाल गुप्ता जी आपने 1,011 रुपए माँ विंध्यवासिनी रामलीला को कमेटी को आर्थिक सहायता प्रदान की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज खरदूषण की आओ चले आओ चले आओ महाराज खरदूषण की ए मंत्री जी महाराज लो पहले परेड करवाओ परेड करवाए एकदम रेडी रखो चढ़ाई करनी है एकदम जम के ठीक महाराज आप उधर हो हम इधर हो ए बुआ हुआ आवा तू बुआ आवा तुम तो गुण गोवर कई दू खाली हो महाराज अच्छे तैयारी कराए ए सेनापति हाँ थोड़ा तैयारी करो ढूंढ मारो एक दो परेड है अब ये दौड़ेंगे ये बीएसएस वाले मॉडल वन टू वन महाराज सब फिट दिखाई दे रहे हैं तुम यही थोड़ा पीछे वाला कमजोर दिख रहा है ये पीछे वाला थोड़ा कमजोर दिख रहा है थोड़ा हल 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 हे महाराज सब थोड़ी सही है हम ही गड़बड़ है तुम तो पहले से ही गड़बड़ दिखाई दे रहे थे तुम्हें भाई अब इसकी परेड करवाओ कराओ हाँ 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 तुम सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया पार करने लायक हो गए हो तुम क्या हुआ भाई अभी हम लोग कितनी दूर हैं यही वो बालक है जो है Oh my God! ये दुनिया बच्चे लई जाने की जाओ गिरी कंदर लई जाने की जाओ गिरी कंदर आवान सिचर कटक भयंकर अरे पापिन बहन तूने अपनी नाक नहीं हमारे कुल की नाक कटाई है इन दुनिया बच्चों से तूने अपनी नाक कटा ली लगा था तुझ पर राजसी होकर तूने ये कर किया है हे भाई तुम सीता गोली जाओ कुछ दानव आ रहे हैं हम इनका अभी सामना करते हैं बताओ
सबको लाइन में लगाओ, चौकीदार लाइन में लगाओ सबको। मार के आना। अरे यार इतना समय लगा रहे हो, जाओ मार पीट के आओ पहले। मंत्री बाबू बड़ा खुशगिल सेना था हमारा, क्या परेड करवाया यार। क्या जाओ 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 जल्दी जल्दी करो। कटन्नी को भेजो महाराज, कटन्नी को। निशाना सही लगाना, अचूक तुम्हारे निशाना लगा देंगे हम। कहां छू रहे हो, जाओ जाओ जाओ। मंत्री अपनी सेना से सौ धारा शाही हो गई है। मंत्री अब आगे जा रहे हो मैदान छोड़ के, तुमको खिलाफ पिला कितने बड़े मुस्कंडे कर दिए भागने के लिए। पिलाया का मैं पिलाया जाता है लफड़ा वा महाराज। ओए लफड़ा पहले पहले यहाँ की लफड़ा सुलझा तब जा जाना जा। महाराज हमार मजबूर, हम कुछ नहीं जानते। तत्काल इस बच्चे को मार गया तुम। सुन ले महाराज, कुछ नहीं एक परसेंट कोई सुन नहीं सुना है। अरे बोल दिया एक परसेंट नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। यहाँ युद्ध करो कायर करके मुश्किल बेवकूफ जाए चूतिया। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। कहे मार रहे हो भाई, हमारे सभी साथियों का मार डाले, क्यों मार रहे हो यार? क्या बात है बताओ, क्यों मार दिया आप? फालतू बकवास मत करो, सीधा युद्ध करो। युद्ध करें, आज सीधे मुद्दे पे आओ। मार रहे हो क्यों, मार रहे हो, मार दोगे? चलो हर जगह चूतिया बनाते हो, टोल टैक्स दे रहे हो। रुक जाओ अबे भरा। शर्मिंदा है भाई, दूसर तुम जाओ और उसे मार कर आओ। इतना हड्डी मांस खिलाए साले को, तब भी सारे भाग के मार गए। अभी इनको हम अकेले भाई, आप घबराइए मत, अकेले भी इनको हम मारते हैं। तुम भी हड्डी कम नहीं खाए हो, जाओ। मंगल और शनिवार को हड्डी खाएंगे तो क्या होगा? चूतिया भाई हमारा है, रुको बताता हूं।
अब चलते हैं दुष्गंधर भैया के पास। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह पाएंगे प्यारे तेरे बोल। चाचा जी की तरफ से ब्यास गद्दी पर 21 रुपए आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री धर्मेंद्र यादव जी आपने भी की खरे दूषण के जाई सुपन था रावण प्रेरा, जाई सुपन था सुपर्ण खा ने देखा खरदूषण की सारी सेना मारी गई। खरदूषण दोनों भी धराशायी हो गए, निकल पड़ी लंकेश के पास। कह लंकेश कह लंकेश कह दशा की कौन ऐसा दिलावर पैदा हो गया इस धरती पर जिसने लंकेश की बहन की यह दुर्दशा कर डाली। कहा लंकेश कहा लंकेश कहने के बाद जाई सुपनखा रावण प्रेरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। Mm-hmm.
महाराज। हाँ मंत्रीवर बोलिए। कुछ आप सुन रहे हैं? क्या सुनाई दे रहा है? महाराज हमको कुछ सुनाई दे रहा है। तो ठीक है मंत्रीवर, पता करो, अति शीघ्र पता करो क्या सुनाई दे रहा है। लेकिन महाराज मेरे को लफड़ा है। तो पता करो पहले क्या लफड़ा है। महाराज। हाँ मंत्रीवर। हमने पता कर लिया। क्या हुआ बताओ? ओ इफ्को कंपनी है ना। क्या कह रहे हो? ओ इफ्को कंपनी। हाँ। उसका हारन लीक हो गया है। तो उसमें कौन से लफड़े की बात है? वही हूँ हूँ कर रहा है। ठीक है मंत्रीवर। महाराज। और नगर का क्या समाचार है बताओ? सब ठीक है, सब बढ़िया है महाराज, एकदम चकाचक। खाई कबरे डीजल दई दे है, पिए मेरे पेट्रोल। सब प्रसन्न तो है ना? इसके बाद नहाई बरे उतरक रेह दे दे है। चलो ठीक है मंत्रीवर, हम कहे चाहिए कि हम खजुली न हो। प्रजा को सुखी ही रहना अति उत्तम बात है। हाँ महाराज, सब अति उत्तम है, हमारी तबीयत गड़बड़ बा। क्या हुआ तुम्हें? अरे महाराज कुछ ना है, रस्ते खजुली हो भाई रही। वैक्सीन लगवाए कि नहीं? लगवाए रहे महाराज, चाट थी पचुही के नंबर आए, तबीयत खराब रही ना फूक पाए। चलो ठीक है, तबीयत ठीक हो जाने के बाद पांचवी वैक्सीन लगवा लेना। हाँ महाराज ठीक। और कहो कौन दिक्कत ना महाराज? न किसी के खाने की दिक्कत है, न किसी के पीने की दिक्कत है, दिक्कत है तो सिर्फ सोने की। ज्यादा दिक्कत हो तो अपने लंका नगरी में सुसैन वैद्य है। हाँ महाराज, उनके पास भेज देंगे। महाराज। हाँ मंत्रीवर बोलो। हूँ हूँ आवाज कहाँ से आवत हो? मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ मंत्रीवर, जाकर पता करो। जाए बिल्कुल। ए या चल बे, चला देखा भाई, सोच समझ के चले, रास्ता नहीं है बिहार के बाद। बचवाइया का हुआ? काहे ते डरा दे हम से यहाँ? का हुआ काहे ते डरा दे?